नया दिन नई शुरुआत। गाइस मैं हूं आपके साथ, मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं द SPGB ब्लॉग। SPGB ब्लॉग में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हैं हम गाजियाबाद में हैं मोहन नगर में, और मोहन नगर के दुर्गा मंदिर घूमने के लिए आए हैं। दुर्गा मंदिर जो यहां पे बहुत पॉपुलर मंदिर है, आज हम यहां पे दर्शन करेंगे दुर्गा माता। अगर हम इस मंदिर की लोकेशन की बात करें तो मोहन नगर में है। मोहन नगर के मेन रोड GT रोड पर आपको ये मिलने वाला है। मेट्रो स्टेशन जो कि मोहन नगर का मेट्रो स्टेशन है उसके बिल्कुल नियर है, और बगल में जो है नरेंद्र मोहन हॉस्पिटल भी आपको मिलने वाला है। और दोस्तों अगर आप रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं, गाजियाबाद रेलवे स्टेशन से, तो आपको करीब 5.5 किलोमीटर पड़ेगा। अगर आप बस स्टैंड से आ रहे हैं, गाजियाबाद बस स्टैंड से, तो आपको करीब 4.5 किलोमीटर ये डिस्टेंस पड़ेगा। यहाँ पर जो है आप अपनी गाड़ी से आ सकते हो, पार्किंग की फैसिलिटी है, आप बस से आ सकते हो, मेट्रो से आ सकते हो, और नियर बाय रेलवे स्टेशन से भी आ सकते हो। दोस्तों कहा जाता है कि ये जो मंदिर है करीब 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है, लेकिन जो है इसको 1978 में बनाया था। और यहाँ पे जो है आप माँ दुर्गा के अलावा जो है और भी भगवान के दर्शन कर सकते हैं। इसलिए भी पॉपुलर है जो इसके पीछे पार्क बना हुआ है जहाँ पे मैं अभी खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर अधिकतर जो जोड़े की शादी होने वाली होती है वो मिलने के लिए आते हैं, उनके माँ बाप मिलने के लिए आते हैं, साथ में जो है लड़का लड़की को दिखाते हैं इस पार्क में। इसलिए ये मंदिर भी पॉपुलर है क्योंकि ये दिल्ली और गाजियाबाद मतलब उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में पड़ता है। इस मंदिर के टाइमिंग की बात करें तो सुबह 5:30 बजे खुल जाता है और रात के जो है 9:30 बजे बंद होता है। तो आप जो है इनके टाइमिंग के हिसाब से यहाँ पे आके जो है माँ दुर्गा के दर्शन। तो आइए दोस्तों जो है इस मंदिर के दर्शन कर लेते हैं, माँ दुर्गा के दर्शन कर लेते हैं, एंट्री कर लेते हैं। गाइज मंदिर में एंट्री करने के बाद जो है हमने अपने जूते और चप्पलें जो है यहाँ पर जमा करा दी। उसके बाद हाथ पैर धोने के बाद जो है हमने प्रसाद लिया। प्रसाद की जो टोटल कॉस्ट थी वो थी 60 रुपये। प्रसाद और दिया लेकर जो है हम मंदिर की तरफ फिर चल पड़े। नवरात्रों और सावन में जो है यहाँ पर प्रतिदिन जो है 3000 तक लोग यहाँ पर आते हैं इस मंदिर के दर्शन करने के लिए। और अगर हम बात करें डेली बेसिस पे करीब 500 से ज़्यादा लोग इस मंदिर को विजिट करते हैं। तो बहुत ही पॉपुलर मंदिर है ये गाजियाबाद में और बहुत ही प्राचीन। दोस्तों दर्शन करने के बाद जो है आप इस पार्क में बैठ सकते हैं, और अगर आपको भूख लगती है तो बगल में कैंटीन भी है जहाँ पर आप जो है कुछ खा पी सकते हैं। तो दोस्तों हमने ये खाने पीने की चीज़ें ली हैं, देखिए यहाँ पे जो कैंटीन है वहाँ से। तो ऐसा तो बोर्ड पे यहाँ पे लिखा है कि लड़की दिखाना यहाँ पे मना है, लेकिन ये जो मंदिर है ये जो है पॉपुलर ही इसलिए हुआ था कि यहाँ पे जो है लड़कियों को दिखाया जाता था शादी के लिए, उनके माँ बाप आते थे और लड़के के भी माँ बाप यहाँ पर आते थे। मंदिर के मेन गेट से एंट्री करते ही राइट साइड में भगवान शिव के इस अवतार को देखना ना भूलें, जहाँ पर जो है शिवलिंग के साथ भगवान के इस विशेष अवतार को दिखाया गया है। आई होप कि आपको ये ट्रैवल ब्लॉग पसंद आया होगा, मोहन नगर का मंदिर के जो दर्शन किए हैं उसका ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर ब्लॉग्स। हैव ए नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।